लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मतदाता अब इस पशोपेश में है कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना मत किसी प्रत्याशी को देंगे, किस पार्टी को देंगे। इस समय हम मौजूद हैं एक यात्री बस में जो कि बैतूल से भोपाल की तरफ जा रही है। ये बस यात्री बस में हम बैतूल के उन लोगों से बात करेंगे जो अलग अलग गांव कस्बों से आकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं, और उनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाएगा कि जो चुनाव है वो किस पार्टी के किस प्रत्याशी के पक्ष में और किसके विपक्ष में जा रहा है। तो आइए हम अपने सवालों का जवाब ढूंढते हैं बस में बैठे यात्रियों से ही। ये बताइए कि बैतूल में जो लोकसभा क्षेत्र है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप मतदान करेंगे? कब से आप मतदान कर रही हैं? मेरे को तो कम से कम हो गए 25-30 साल। अच्छा, हाँ। इस बार क्या मुद्दे लग रहे हैं? मुद्दे तो वही जो पिछला जो आया था वही मुद्दा चल रहा है अभी सबके मुख में, और सबकी इच्छा वही है कि जो ये बीजेपी वाले जो है भाजपा बीजेपी, इनका काम बहुत अच्छा है। और पिछला जो समय था कांग्रेस का, तो वो बहुत एक एक रोटी से मोहताज हो गए थे, और अभी ना कोई भी गरीब नहीं दिख रहा है। इसका इसीलिए सबका दिमाग बस वही चल रहा है कि बस अपने को कमल चुनना। अच्छा, जो सांसद जी मौजूदा सांसद आप लोग के, उनके कामकाज से कितने खुश हैं आप लोग? वैसा उनका नाम तो मैंने नहीं सुना है, मगर ये जस इस पार्टी से होंगे तो बस खुश है। अच्छा अच्छा, जिस तरह राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है देश में अयोध्या में, उससे कितना फर्क पड़ेगा आपको लगता है, कितना उसका असर है देखते हैं? असर तो क्या है, जो अगर उस मुद्दे पे चल रहे हैं उनके लिए तो उनका स्वभाव तो सामाजिक है, बदल जाएगा, और जो अगर नहीं चाहते हैं तो वो दूसरे पॉइंट पर लेके चल रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं और क्या लगता है चुनाव में आपको? हमने तो कभी बात नहीं करी है, पर हम भी बता दे रहे हैं कि बीजेपी की आ जाएंगी तो बहुत अच्छी है। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि बीजेपी हमेशा, मैं तो जब से छोटे से बड़े तक की बीजेपी चाह रही है, तो हम अभी भी चाह रहे हैं कि बीजेपी चाहना चाहिए। मौजूदा जो सांसद हैं दुर्गादास उइके जी, उनके कामकाज से कितने खुश हैं और मोदी जी के कामकाज से कितने खुश हैं? मोदी जी के कामकाज से तो हम बहुत खुश हैं, और अभी जो दुर्गादास जी हैं ना, अभी तो हम पहचानते नहीं उनको, और हम तो यहाँ अभी फिलहाल रहते नहीं हैं, हम गुजरात में रहते हैं। अच्छा, कंपनी में काम, लेकिन यहाँ बैतूल के ही रहने वाले हैं? नहीं, हम कुंड बकाजन के रहने वाले हैं, मतलब बैतूल जिले में ही। जी, बैतूल जिले में। मतदान तो करेंगे जी? ठीक है, चलिए। अब हमारे साथ इस बस में और भी बहुत सारे यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सोचते हैं इलेक्शन के बारे में। अच्छा, ये बताइए कि भैंसदेही तो इस बार भाजपा जीत गई थी विधानसभा चुनाव, अभी लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको? नहीं, बीजेपी जीती। आप क्या करते हैं? खेती का। तो खेती किसानी के लिए केंद्र सरकार ने कैसा काम किया, क्या लगता है आपको? अच्छा काम। क्या मुद्दे हैं प्रमुख चुनाव में आपके क्षेत्र में? मुद्दे तो क्या है, बकवास करते हैं, कोई मुद्दे नहीं आते हैं। मुद्दे नहीं है, काम काज से खुश हैं। अच्छा, राम मंदिर बना उससे कितने खुश हैं? बहुत खुश है। चलिए, राम मंदिर बनने से खुश हैं अंकल। यहाँ पर तो मतदान तो करते हैं आप? हाँ, मतदान करते हैं। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? जो भी सत्ता है, या तो दोनों सत्ता ठीक है, जो भी है, जिसकी भी मतलब सत्ता है, शासन है, वो सही है। अच्छा, जैसे मोदी जी की सरकार है अभी, उसके कामकाज से कितने खुश हैं, या कुछ किसी और पार्टी को लाना चाह रहे हैं? यहाँ भी तो बीस ठीक है, जनता खुश है। अच्छा, खुश हैं। आपका क्या नाम है? कमल किशोर जी चोरे। कमल जी, ये बताइए कि क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। खेती करते हैं, तो खेती किसानी को लेकर सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं, और अभी लोकसभा चुनाव में क्या सोचते हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक एक ही सीढ़ी बनी रहे तो ज़्यादा बेहतर है। कौन सी सीढ़ी है? मतलब बीजेपी की। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको? क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमें से मोदी जी से प्रसन्न है हम। कौन कौन से कामों से प्रसन्न हुए? मोदी जी के जो किसान के हित में जो वो कार्य कर रहे हैं, जैसे किसान के हित में बहुत ही उन्होंने योजनाएं निकाली, उनसे हम प्रसन्न हैं। अच्छा, जो अभी विपक्ष भी एक गठबंधन बना हुआ है, आपने पढ़ा सुना होगा कहीं, उससे क्या उसका कितना असर देख रहे हैं? नहीं, हम उस पक्ष में नहीं। राम जी का मंदिर बन गया अयोध्या में, उसका कितना असर है आपके गांव कस्बों में? हमारे गांव के अंदर तो कम से कम 90% उसका प्रभाव पड़ा है। कैसा प्रभाव? कहना चाहिए मोदी जी अत्यधिक प्रसन्न है लोग। अच्छा। कहना चाहिए कि ये 80 साल से
कांग्रेस सरकार थी और अभी तक वो फैसला नहीं ले पाई अदालत में, और मोदी जी आने पर उन्होंने इस फैसला को हल करवाया और राम मंदिर बनवाया, इससे अब हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। तो विकास हुआ आपके क्षेत्र में? जी हाँ। किस तरह का विकास हुआ? खेती के विषय में और कहना चाहिए रोड के विषय में, नल जल योजना के विषय में, बिजली के विषय में, नहर के विषय में। तो क्या मन बना रहे हैं फिर आप? अभी तो हम बीजेपी को ही चाह रहे हैं। बीजेपी को? जी हाँ। चलिए यहाँ पर एक किसान और बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश वर्मा। क्या नाम है? प्रकाश वर्मा। क्या लगता है आपको प्रकाश जी? मोदी जी आएंगे। मोदी जी। क्यों ऐसा लगता है, क्या वजह है उसकी? मोदी जी ने काम बहुत अच्छे किए हैं। आप क्या करते हैं और कैसे आपको लाभ मिला है? खेती करते हैं। खेती, खेती। अच्छा, खेती में क्या क्या लाभ हुआ है? खेती में बहुत सी योजनाएं हैं मोदी जी की, जो मतलब कारगर साबित हुई। तो सम्मान निधि वगैरह आप लोगों को मिलती है। अच्छा, जो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है ना कि विकास नहीं हुआ है, इसका क्या असर देखते हैं और क्या? उससे कुछ नहीं हुआ। मोदी जी कुछ नहीं हुआ उससे। आपके मन में क्या है, कौन है? मोदी जी हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं इनके मन में मोदी हैं। थोड़ा सा आप जगह देखिए क्या, एक मिनट। और भी कुछ यात्री हमारे साथ यहाँ बस में बैठे हैं। चलिए, एक युवा दिख रहे हैं, युवा साथी दिख रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? कमल चौधरी नाम है। हाँ जी, कमल चौधरी नाम है। कमल जी, आप युवा मतदाता हैं, इसके पहले मतदान किया लोकसभा चुनाव? हाँ, किया। इस बार क्या लग रहा है चुनाव? इस बार मतलब मोदी जी आएंगे, हमारा 100% है। किन मुद्दों को लेके लगता है कि मोदी जी फिर से आएंगे? मोदी जी बहुत मुद्दों से, श्री राम मंदिर हो गया, धारा 370 हो गई है, और 3 तलाक के मुद्दे हो गए, मतलब मोदी जी की मतलब सभी धर्मों को मोदी जी ने लाभ पहुँचाया है, किसी मतलब किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बोली, धारा 370 और कई चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है, इसका कितना असर देखते हैं? 100% असर हो रहा है जनता के ऊपर। अच्छा, विपक्ष जिस तरह CA का विरोध कर रहा है, इसका क्या होगा असर आपको लगता है? मतलब इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जनता के ऊपर, मतलब जनता कुछ समझदार है, सोच समझ के वोट देगी, तो मेरे हिसाब से मोदी जी को होना चाहिए। अच्छा, आपने देखा युवा भी लगभग वही बात कह रहे हैं जो किसान और बुजुर्ग कह रहे हैं, हमारे साथी बहुत सारे बैठे हुए हैं। किन मुद्दों पे वोटिंग करेगा युवा? युवा बेरोजगार को लेकर ही वोटिंग करेगा। नहीं तो बेरोजगारी को लेके कैसे मतदान, रोजगार मिलना चाहिए या उसे लेकर, या तो फिर नहीं मिल रहा है उसको लेकर गुस्सा है? नहीं मिल रहा, इसीलिए तो ये बेरोजगार युवा मोदी जी के खिलाफ है। अच्छा, तो सारे थोड़ी हैं, आप लोगों को जिनको नहीं मिल रहा वो होंगे ना? नहीं, तो अधिकतर युवा ही तो है भारत के मतलब जनरेशन में। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैं क्या बता सकती हूँ? बताओ। मतदान तो करेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर करेंगे? जी, हम यही मुद्दों के लेकर करेंगे कि युवाओं को मतलब आगे कोई बेरोजगारी से समस्या के मतलब की समाधान हो, होना चाहिए। हाँ। आपको क्या लगता है? हमारे लिए नई से नई वैकेंसी लाए, एक से एक, और जो मतलब कि रुके वाले रिजल्ट है उनको फट से दे जल्दी से। तो किस तरह की वैकेंसी और कहाँ तक पढ़े लिखे आप लोग? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपको लगता है कि जो पिछले कुछ समय में राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हटी, उसका क्या असर देखते हैं आप? युवा लोग हैं, पढ़ते भी होंगे। उससे तो असर ऐसा ही है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है? हाँ, यही है उसका असर है। हाँ। आपके गांव कस्बों में है? गांव कस्बों में लेके राम मंदिर को ज्यादा असर है। आपको क्या लगता है? सर, मेरे को तो यही लगता है कि हमारे देश में जो समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, अब मैं यंग एज में हूं तो मतलब मैं बेरोजगार घूम रहा हूं। हमारी सरकार को मतलब जो भारत सरकार है उसको बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपाय और सरकारी नौकरियां निकालना चाहिए। अच्छा, और जो धारा 370 हटाई गई, राम जी का मंदिर बना, इन सबको लेके कोई असर देखते हैं? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? अब इसका तो देखिए सर, पब्लिक है वो तो जिसको जैसा मतलब समझना है वो समझेगी। क्या लगता है आपको, स्थानीय तौर पर जो सांसद हैं बैतूल के, उनका कैसा काम कर रहा है, और स्थानीय अभी जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें क्या मुद्दे रहेंगे? सर, BJP का कार्यकाल तो अच्छा है और सांसद जी भी बहुत अच्छे हैं, और जो कार्यशैली है उनकी बहुत सुंदर है। मतलब कोई भी व्यक्ति काम लेके जाता है, काम उनका कहीं रुकता नहीं। उनके स्तर से
मतलब वो सब काम करने के लिए मतलब तैयार है। पिछले बार के लोकसभा चुनाव में 360,000 वोट से कांग्रेस हार गई थी जी, जी। इस बार आपको लग रहा है कोई परिवर्तन होगा? सर बैतूल में तो कोई परिवर्तन नहीं, मतलब सांसद बीजेपी का रह जाता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का कार्य अच्छा है और प्रोग्रेस है, बीजेपी की बहुत सुंदर है। अच्छा, जिस तरह से धारा 370 हटी, राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, इन सब चीजों का क्या असर देखते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। 370 तो इतनी बड़ी खुजली हट गई सर कि जो सदियों से मतलब आ रही थी, जो करोड़ों रुपए मतलब पर डे मतलब देश का खर्चा हो रहा था, वो केवल और केवल मोदी जी ही कर पाए उस चीज को, बाकी दूसरे ऐसे माइक लाल नहीं जो कर सकता था। अच्छा, और अभी जो सीए कानून का विरोध कर रही कांग्रेस और विपक्ष, उससे क्या असर देखते हैं? सर उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। राम जी का मंदिर बना, उसका क्या सर? तो सर बहुत ही यानी देश के लिए धरोहर दे दी मोदी जी ने, उसी की बात। आप एक जागरूक मतदाता के तौर पर क्या, किस मुद्दे पर मतदान करने जा रहे हैं, आपका क्या मत है? सर मेरा तो ये है कि जो देश का जिस प्रकार से मतलब गति विकास की जो चल रही है, ठीक है, और जो भ्रष्टाचार को दूर किया बीजेपी ने, बीजेपी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मतलब काफ़ी हद तक क्या दूर, छोट मोट कहीं होगा तो नहीं मालूम, लेकिन इस हिसाब से मैं बीजेपी को ही मतदान करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है अंकल? अचल सिंह दास जी। अच्छा, भोपाल से। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर मतदान करेंगे आप? हम जी मुद्दा तो ये है, राम जी का मंदिर बन गया, बेरोजगार बेचारे रोडन पे घूम रहे हैं मतदान में, अब बताओ उनके लिए काम मांगे तो 1,00,000 रुपए निष्पत चाहिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको बिगड़ निष्पत के वोट भी नहीं डाला पाया जाएगा। पहले वोट के लिए भी निष्पत चाहिए। तो आपके आपके परिवार में ऐसे कोई हैं जो बेरोजगार है अभी? बेरोजगार हजारों हैं मेरे पास, कम से कम मेरे यहाँ 500 घर हैं बेरोजगारी, पढ़े लिखे युवा ये फिर रहे। तो बाकी आपको लगता है बाकी चीजों से ज्यादा जरूरी रोजगार है? सरकारी नौकरी मात्र, और पूरी बेरोजगारी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आप बताइए क्या करोगे? तो 370 हटना, राम जी का मंदिर बनना, ये आपके लिए ज्यादा अच्छी बात है? था मंदिर बन गया अच्छी बात है, लेकिन रोजगार भी मिलना चाहिए ना। खाने के लिए 17,000 का बोला था, कितने? लेकिन राशन तो दे रही है सरकार। 2,200 रुपए 1700 का बोला था, तो 2,200 रुपए में दे रहे हैं गेहूँ, तुझे रोजगार ही है। अच्छा, आप किसानी भी करते हैं? नहीं, झूठ बोलना, फिर शासन कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, झूठ बोलता है पहली बात तो। पहले बाप मुद्दा उठाइए आप सर। हाँ, शिक्षा क्षेत्र में काम होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? शिक्षा क्षेत्र में काम होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक मानना है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी ने एक काम करना चाहिए, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, तो शिक्षा का स्तर ऑटोमेटिकली उछाल मार देगा और देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो आपने देखा बहुत सारे मुद्दों को लेके इस बस में बैठे यात्रियों ने अपनी बेबाकी से बात रखी है, कुछ जो विरोध था उन्होंने अपने विरोध भी खुलकर जाहिर किए, और जो अच्छी बातें थी जिन मुद्दों पर सरकार से उनकी सहमति है उस पर भी बात की। बैतूल लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल के दिन जो है मतदान होना है, और जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतदाताओं में एक जागरूकता है, सभी मुद्दों को लेकर वो बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पिछले बार जो रिकॉर्ड मतदान का बना था बैतूल लोकसभा क्षेत्र में हाईएस्ट था, लगभग 78.40% मतदान हुआ था, शायद मतदाताओं की जागरूकता देखते हुए लग रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो और भी बढ़ेगा, और जिन मुद्दों पर हमने लोगों से बात की तो उससे ये लग रहा है ज़रूर कि मोदी की जो गारंटी वाली बात है वो कहीं ना कहीं मतदाता के दिमाग में बैठ गई है, और कांग्रेस को इस बार और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यदि उनको भारतीय जनता पार्टी को बैतूल लोकसभा क्षेत्र में हराना है। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।